हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस की वैकेंसी के बारे में, जो हमने बात की थी पिछले वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस में जो मेन एग्जाम होने वाला है आपका, प्री एग्जाम के बाद जो आपका सेकेंड एग्जाम होगा, तो उसमें जो पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन वो एग्रीकल्चर के आएंगे। तो सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक कौन कौन से, उन सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है सिलेबस के ऊपर, आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के ऊपर। आप एक बार जय जवान जय किसान जरूर बोले और आप कमेंट में भी जय जवान जय किसान जरूर लिखे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो जो हमारा मेन एग्जाम होगा, इस सेकेंड एग्जाम है, इससे पहले प्री एग्जाम होगा, और इसमें जो है आपका सब्जेक्ट वो क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स 60, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और बात करें एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, तो कहने का मतलब है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए, और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट। अब इसमें टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर के, मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड करंट डेटा स्कीम्स। जो मेन टॉपिक है हमारा वो सिलेबस में वो क्या है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, करंट डेटा और स्कीम्स। अब इसके अंदर कुछ सब टॉपिक है जिनसे हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। करंट स्कीम, जितनी भी स्कीम अभी निकली हुई है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फार्मर हैंडबुक डेटा के बारे में हमें पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन डेटा, नाबार्ड नॉर्म्स, केटल एंड पोल्ट्री नॉर्म्स, सब्सिडीज ऑफ वेरियस इंप्लीमेंट, जो बहुत सारे एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट होती है, मशीनें होती है, उनके ऊपर सब्सिडी कितनी दी जाती है, उन सब के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। APEDA इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। APEDA क्या होता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब के डेटा के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है, करंट डेटा है, स्कीम है, इसके अंदर हमें बिल्कुल करंट पढ़ना है, स्कीम पढ़ना है, जो करंट डेटा है उसके बारे में पढ़ना है, और जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, स्कीम के बारे में हमें पढ़ना है, जो करंट अफेयर है मेजर एग्रीकल्चर की, वो सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बात करें सेकंड टॉपिक जो है हमारा, वो है क्रॉप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब फसल, फल और सब्जियां। अब इनके बारे में इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है टॉपिक हम देखते हैं। स्पेसिंग, कहने का मतलब है कि पौधों से पौधों के बीच में जो दूरी होती है वो स्पेसिंग हमें पढ़नी है। टाइम सोविंग, की फसल की बुआई का टाइम क्या है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फसल, फल और वेजिटेबल तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ सोविंग पढ़ना है। सीड रेट, की बीज दर हम कितनी ले रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। वेराइटीज, किस्मों के बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर जो किस्में हैं ना, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट किस्में, ऐसे तो बहुत सारी किस्में हैं तो हम याद नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो मेजर वेराइटीज है उनके बारे में। अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर डिफरेंट डिजीज एंड इट्स कॉजेज। इसमें जो फसल है आपकी, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, फसलें हैं, इन सब में जो डिजीज लगती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके होने का क्या रीजन है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रिसेंटली रिलीज वेराइटीज, जो अभी रिसेंट में जो वेराइटीज, नई नई वेराइटीज का डेवलपमेंट हुआ है, विकसित हुई है, जिनको रिलीज किया है, उन वेराइटीज के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वेराइटीज किस फल की है, किस सब्जियों की है, किस फसल की है। अगला हमारा मेजर टॉपिक आता है सीड टेक्नोलॉजी। इसमें हमें बेसिक ऑफ सीड साइंस के बारे में पढ़ना है, सीड साइंस के बारे में बेसिक पढ़ना है। डिफरेंट सीड टेस्टेस के बारे में पढ़ना है, जो सीड होता है उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बात करें फोर्थ जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसमें हमें बिल्कुल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हमें इसके अंदर पढ़ना है। एग्रीकल्चर कॉस्ट और स्कीम के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी वेरियस अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस होती है, उन सब प्रैक्टिसेस के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। हमारा जो सिक्स टॉपिक आता है वो आता है सोइल रिसोर्सेज। सोइल रिसोर्सेज में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टिलेज, हकाई जुताई के बारे में हम पढ़ना है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, जो भी टिलेज है, जीरो टिलेज, सबके बारे में हम यहाँ पे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज की कौन कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से कौन कौन से डिजीज होती है उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर का कंजप्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। सोइल टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, सोइल को कितने टाइप हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन सोइल की भारत में कौन कौन से सोइल है, सोइल रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे और ग्रीन मैन्यूर हरी खाद के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा सोइल रिसोर्सेज है इसके अंदर सोइल से रिलेटेड हमें पढ़ना है, टिलेज पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, सोइल टाइप कैरेक्टरिस्टिक इंडियन सोइल और सोइल से रिलेटेड फैक्ट और ग्रीन मैन्यूर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक है 7 टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का है। तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल, जो पशुओं की अलग अलग ब्रीड है, जो अलग अलग नस्लें हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब है जैसे हनी इंडस्ट्री हो गई, शहद वाली हो गई, डेयरी इंडस्ट्री हो गई, फिशरीज इंडस्ट्री हो गई, मेनली इन तीन इंडस्ट्री के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। वेरियस डिजीजेज एंड इट्स कॉजेज, पशुओं के अंदर बहुत सारे डिजीज होती है तो उन डिजीज को हम पढ़ेंगे और उनका क्या रीजन है डिजीज होने का उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज इन इंडिया। तो इसमें हम जो भी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे वो दो है, एक तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस है और आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ये हमें पढ़नी है। और एग्रीकल्चर स्कीम हमें पढ़ना है और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बहुत सारी जो चलाई हुई है उन सब के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। लास्ट आता है हमारे पास हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, और हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है, बेसिक एग्रीकल्चर को हमें पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका एएफओ का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। क्या आप सभी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन एएफओ बनना चाहता है, इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी इसके सिलेबस को एक एक करके, एक एक टॉपिक को करके यहाँ से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बहुत सारे एएफओ के जो मॉडल पेपर हैं, जो पिछले ईयर्स के जो पेपर हैं, उन सबको हम यहाँ पे सोल्व करने वाला है। तो आप कमेंट जरूर करें, और आप सभी लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने सुना है कि जो एग्रीकल्चर है, जो 70% एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा इंडिया में, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 70% मतलब 56% तो हमारे फार्मर्स है और बाकी इंडस्ट्रीज है, 70% के अंदर ये सब कुछ आता है। तो ये वीडियो जो है आपको एक तरीके से 70% लोगों में अधिक से अधिक शेयर करनी है, ताकि सबको पता चल सके कि एएफओ का सिलेबस क्या है और इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, वो सब कुछ मैंने अगली वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइक कर दो अभी के अभी, और अभी के अभी इसको अधिक से अधिक शेयर करो, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।